हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज है दूसरा रोज़ा और सहरी पे हो गई, इफ्तारी का टाइम होने आया। फ़िलहाल मैं ऑफिस से आ गया हूँ। मेरे ऑफिस में मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए मैं कुछ शूट नहीं कर पाया ना सुबह ना सहरी में। फ़िलहाल अभी आया हूँ बादाम शेक लेने के लिए। मेरी बहन को बादाम शेक चाहिए था इफ्तारी में। यहाँ पर देखो, बड़ा पाव भजिया समोसा ज़बरदस्त। तो माशाल्लाह आज की इफ्तारी तैयार हो गई है। यहाँ पर है भजिया, रशियन कबाब, फल फ्रूट और क्या है, यहाँ पर है टैंग और यहाँ पर है मिल्क शेक। अभी बज रहे हैं रात के 2। मैं आप लोगों को शिवाजी नगर की मार्केट बताने वाला था, लेकिन तरावी हम लोग की ख़त्म हुई 10:30 बजे। उसके बाद टाइम ऐसा चला गया और फिर सब मार्केट वगैरह भी बंद हो गई। तो इस ब्लॉग में तो नहीं, इंशाल्लाह सोच रहा हूँ फ्राइडे के दिन मैं छुट्टी लूँ ऑफिस की, थोड़ा ब्लॉग भी बन जाएगा और मेरे को थोड़ा जुम्मा की नमाज़ भी मिल जाएगी। आज मैं पूरा सहरी तक जाग रहा हूँ और सहरी करके ही थोड़ा सोऊंगा, उसके बाद उठ के ऑफिस चला जाऊंगा। आज मेरा बर्थडे है तो सोए। हैप्पी बर्थडे भाई। सब भाई भाई सब लोग विश करो अपने भाई को आज। आज बर्थडे है तो मैं बोला आज सहरी बाहर से करते हैं, क्या बोलता? हाँ बाहर करेंगे। इसलिए अभी शिवाजी नगर में बैठे हम लोग, थोड़ा यहाँ का राउंड मारेंगे फिर देखेंगे किधर जाने का है, जाके सहरी करेंगे। सोहेल अपना 2 साल पुराना वीडियो देख रहा है रमज़ान का वीडियो 2 साल पुराना। उस टाइम का वक्त वो भी लॉकडाउन था। बहुत मज़ा आती थी यार पहले ब्लॉग बनाने की। अभी जो है आधे से आधे दुकान सब बंद है, लेकिन खाने पीने की चीज़ें चालू है। यहाँ पर देखो मालपुआ के लिए कितनी गर्दी लगी हुई है। और ये शिवाजी नगर की गलियों में रमज़ान में पूरा फोकस लगा है, पूरा बल्ब लगा है और यहाँ पे बैडमिंटन चालू है। आज अपन मार्केट दिखाने वाले थे, देख रात के 2 बजे इधर आए, सब शॉप बंद है रात के 2 बजे। ये 3 नंबर रोड है, लेकिन आगे जो है सहरी के लिए बहुत सारी दुकानें खुली है, जाके देखते क्या क्या मिल रहा है वहाँ पर। यहाँ पर सब रेस्टोरेंट खुली हुई है, ये देखो यहाँ की चहल पहल। लग रहा है क्या 2 बज रहा है? नहीं भाई, अभी देखो शोरमा मिल रहा है, फ्राइड राइस, चिकन फ्राई, देखो हलवा पराठा ले रहा है क्या? आएगा ले रहा तो ले, चलो हलवा पराठा ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे खजूर भी मिल रहा है, खजूर देख लेते कैसा है। कौन सा? 250-200। थोड़ा गीले टाइप में है ये। ये ये कैसा है? 300-300। दोनों 300? चलो स्टार्ट करो, आज कुछ मीठा हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बर्थडे के मौके पर। क्या बोल रहा? पराठा खाएगा। गरम गरम है पराठा, जरा मुँह पे मार फ्लैश। खजूर मैं नहीं लिया क्योंकि खजूर हम लोग कल जाने वाले हैं इंशाल्लाह, कल नहीं परसों ना, कल नाइट में हम लोग जाएंगे मोहम्मद अली रोड, वहाँ से देखेंगे खजूर लेंगे वहाँ से। मेरे को टोपी भी लेना है, वहाँ का मार्केट घूमेंगे कल इंशाल्लाह। टच पकड़ के बैठा हुआ। फिलहाल अभी हम लोग एक होटल में आ गए, मुरादाबादी होटल, पुलाव ट्राई करेंगे। सहरी यहीं हो जा रही है अपनी, सहरी में कुछ जाएगा नहीं लग रहा। अभी बज रहा है 2:30 बज रहा है। खिला दिया, हाँ डाल दो भाई साइड में डालो। क्या बोल रहा भाई? तू इतना खिला दिया है ना जब से। अरे यार बस भाई, सहरी का तो पता ही नहीं लेकिन वो तेरा सहरी यहीं हो जा रही है, सहरी यहीं हो जा रही है। तो चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करने करने में अभी हलवा पराठा वैसे ही नहीं जा रहा था, सोहेल को दे दिया मैं। पुलाव ट्राई करते हैं के बाद यहाँ से निकलते हैं। लो ट्राई करो। ठीक है मास्टर, चलो मटन पुलाव। खाना पीना हो गया, अभी यहाँ से जूस चालू है और भाई साहब ऐसी घंटी बजा रहे जैसा दोपहर हो रहा है। कौन सा है? पुदीना मसाला।
थोड़ा ही पी के दूंगा, पूरा नहीं पीऊंगा। खाइए। अच्छा मेरे को पता है कि तेरे को सर्दी है, इसलिए तूने सिर्फ दो घूंट मारा है, तो अच्छा खासा पी लिया। सही बात है। तो अभी हम लोग की डिस्कशन चल रही थी यार, कमाई है तो रेस्टोरेंट में कमाई है, रेस्टोरेंट डालने का। तो अपने सोहेल भाई क्या बोले? होटल डालना है तो छेदी भाई जैसी होटल डालो। छेदी भाई मतलब हमारे इधर बहुत फेमस होटल है, वहाँ पर कैसा दाल गोश्त और क्या बोलते चावल, जिंदा चावल, जिंदा चावल, अलग अलग सालन चावल, रोटी चपाती वाली होटल आप लोग भी देखे रहेंगे। वो मतलब कम पैसों में ज़्यादा खाना मिल जाता है वैसा। फिर भी माशाल्लाह हर हर गरीब आदमी वहाँ पेट भर लेता है। हाँ बेशक, बहुत सस्ते में बहुत अच्छा खाना भी मिल जाता है और ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाता है। मतलब तुम 50 रुपये रख के और भूखे ना जाओ भाई, ऐसा है वो होटल का ना। सही बात। और यहाँ पे एक फ्राइड राइस मंगा देंगे 180 रुपये, ऐसे ही ख़त्म, ऐसे ही ख़त्म। बोलते ना ना रहेगी बात ना हो जाएगी बात, इसलिए वही सही है, वही सही है। एक गिंदा चावल, दो बोना, एक तोड़ फोड़। चावल पे दाल मार दे। बहुत भारी। देखो बुटीक सब बंद हो गई है, आधा आधा शटर खुला है। गूगल वाले ने इस पर केस क्यों नहीं किया? सोचने वाली बात है। गूगल लिखा हुआ है इस पर, गूगल वाले ने इस पर केस क्यों नहीं किया? करेगा वीडियो देख के। अरे हमारी छोटी सी, हम लोग छोटी से गाने पे अगर हम कहीं वीडियो बनाते चलते भी रहे और हल्का सा कहीं गाना बज जाता है तो उसका कॉपीराइट आ जाता है हमारी वीडियो पे, इतनी मेहनत करने के बाद। वो बंदे ने खुल लिया, हम गूगल का बैनर लगाए, गूगल का बैनर लगा दिया बंदे ने। कॉपीराइट क्लेम नहीं, एक नोटिस तो भेजो। बरोबर है भाई, तू मेरा गूगल का प्रमोशन हटा दे, मैं तो 50 लाख रुपये देता हूँ, वो भी तो बोल। वो भी नहीं है, हैकरों को बरोबर पैसा दे रहे, जो बैनर लगा रहे उन लोग को नहीं दे रहे तो। चलो हम लोग एरिया में आ गए, ये रहा देखो मंडप लगा हुआ है पूरा। सोल जा रहा है, निकलते नमाज पढ़ के फिर सोऊंगा, फिर 12 बजे। तेरा सही है भाई, क्या सही है, फिर जो उठ के जागना रहता है दो रात के 2 बजे तक के। तू ज़्यादा नाइट मारता है, मैं तो आज जाग गया। अभी देख ऑफिस में दिन कैसा जाएगा क्या मालूम। अच्छा ही जाएगा, परसों तो छुट्टी है, सुबह सुबह कोई मूड खराब करने वाला ना मिला। वही बड्डे वाले दिन, मार मार के भाग के आ जाऊंगा मैं, देखते हैं सबसे क्या करने है। कोई कुछ बोलेगा ना तो ऑफिस में उल्टा सीधा ऐसा करना, पहले मस्का लगाना। अरे वो मेरे सारे ब्लॉग देखते हुआ ये बोला मैंने, सॉरी सर। चलो मैं भी फटाफट सैरी करता हूँ और थोड़ा सो जाता हूँ, ऑफिस भी जाना है सुबह। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आज मैं दुकान वगैरह दिखाने वाला था, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तरावी भी पढ़ना था, कल भी पढ़ना ही रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर मैं कुछ शूट कर पाया तो शूट करूँगा, नहीं तो परसों तो हम लोग जा रहे हैं मोहम्मद अली रोड वगैरह सब कवर करने के लिए, तो वो वाला ब्लॉग ज़रूर देखना, कल का भी ब्लॉग देख लेना। और थैंक यू सो मच आप लोगों ने अगर मुझे विश किया रहेगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और आपको डेली व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं रमज़ान के ज़रूर बताना, कमेंट करके बताओ और क्या क्या चाहिए आप लोगों को। चलो अल्लाह हाफिज़।